डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके 10th और 12th के बोर्ड फॉर्म भरने में आ रहे हैं, तो उन बोर्ड फॉर्म को भरने से पहले आप कोई भी गलती ना करें। इससे पहले आप उससे संबंधित पूरी जानकारी ले लें कि आपको बोर्ड फॉर्म कैसे भरना है और आपकी क्या क्या जानकारी उसमें लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो पहले सुनिश्चित कर लें। इन सबसे संबंधित जानकारी आपको हमारे एक सर सुरेंद्र जी सेन देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अच्छे से देखें और उन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पर लिख लें और अभी से कंप्लीट करके रख लें और बोर्ड फॉर्म में इसके अकॉर्डिंग ही भरें। ठीक है, लो, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार विद्यार्थियों, आरके साइंस बायो क्लासेज केलवाड़ा के इस ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पीछे थंबनेल में देखा भी है कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जानकारी हर विद्यार्थी को होना जरूरी है, साथ ही साथ हर एक पेरेंट्स को भी होना आवश्यक है कि हमारा बालक 10वीं कक्षा के अंदर है, साथ ही साथ 12वीं कक्षा के अंदर है, तो उसका जो फॉर्म भरा जा रहा है बोर्ड का एग्ज़ाम का फॉर्म, उसमें क्या डेटा चढ़ाया जा रहा है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आज इसी संबंधित आज हम कुछ मैंने जो टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काम में आते हैं अपने बोर्ड फॉर्म भरने से संबंधित, मैंने उनको आज बोर्ड पर नोट डाउन किया है। इन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। क्या मतलब कुछ होते हैं स्कूल से रिलेटेड जो परेशान होते रहते हैं, यार हमारी चीज़ में इसमें डॉक्यूमेंट में डिफरेंट है, हमारा ये सही होगा कि नहीं होगा, इसको हम किस तरह से ही कराएं, तो मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। अब फिर वो हो कि नहीं हो वो आपके विद्यालय स्तर पर जाने, जबकि मैं अपने स्तर पर कोशिश पूरी ये करता हूँ हर तरीके से करेक्शन करूँ विद्यार्थियों का सुधार करने की। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले BSER 2024, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो मैंने लिखा नहीं इधर, मैं लिख देता हूँ उधर, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इनकी जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है वो 13 सितंबर 2023 है। 13 सितंबर 2023 तक विद्यार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, हालांकि ये लास्ट डेट नहीं है, आगे और भी एक या दो टाइम और डेट बढ़ेगी, उसके बाद में वो फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आप कोई भी विद्यार्थी जल्दबाजी ना करना कि हमारी डेट 13 सितंबर है और 13 सितंबर लास्ट है तो कि हम जल्दी फॉर्म भरवा लेते हैं, जल्दी फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आप बिल्कुल भी गलती और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर तक आपके फॉर्म आएंगे, डेट आगे बढ़ जाएगी, जल्दबाजी बिल्कुल आपको करनी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट टाइप, अब बात करते हैं हम अगली स्टूडेंट टाइप कितने होते हैं। स्टूडेंट टाइप होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है ऑलरेडी स्टूडेंट और एक होता है न्यू स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है वह विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं में लगातार एक ही सेशन में एक ही विद्यालय के अंदर अध्ययनरत है वो कहलाता है ऑलरेडी स्टूडेंट, जो हमारे पास पहले से पहले से ही उसका एडमिशन हमारे पास है, प्रवेशित बालक है वो पहले से ही। और दूसरा है न्यू एडमिशन। अब आपको करना क्या है, आपको अपना नेम, विद्यार्थी का नेम प्लस फादर नेम प्लस मदर नेम प्लस DOB, इन चारों चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान दे करके फॉर्म फिल करवाना है आपका। ठीक है, विशेष तौर पर आपका जो स्टूडेंट नेम है वो आपके आधार कार्ड में सही होना चाहिए, पिताजी का जो नाम है आपके फादर नेम है वो भी आधार कार्ड में एकदम आपके सेम सही होना चाहिए, प्लस मदर नेम जो है वो भी आपका सही होना चाहिए। अब मदर नेम सही होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपका माँ का नाम सीमा है तो सिर्फ सीमा ही सही है, नहीं, उसकी जो मीनिंग है वो मीनिंग भी सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म भरते टाइम विद्यार्थी का SIMA कर दिया तो फॉर्म माना कि ठीक है नाम सीमा सही है लेकिन SEEMA भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो फॉर्म के समय आपको अपनी मीनिंग का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें सिमिलरिटी है कि नहीं। सिमिलरिटी किस प्रकार की सिमिलरिटी, तीन तरीके से सिमिलरिटी होनी चाहिए, जैसा कि मैं अपने पास एक छोटी सी मेरी पुस्तिका में लिख करके भी लाया हूँ कि आपको सिमिलरिटी किस प्रकार की, बोर्ड पे डेटा लिखा हुआ है लेकिन इसी के साथ में मुझे लगा कम है तो मैंने अलग से मेरे पास में लिख लिया। सिमिलरिटी किस प्रकार की, तीन चीज़ों में, PHP डेटा सीट में सिमिलरिटी, प्लस SR में सिमिलरिटी, प्लस ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म में सिमिलरिटी। हर विद्यार्थी ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि आप लिख लो इस चीज़ को, ताकि आपको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर आपको सिमिलरिटी रखनी है कहाँ कहाँ। पहले सिमिलरिटी रखनी है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, पहले सिमिलरिटी रखनी है PHP डेटा सीट में सिमिलरिटी। ठीक है, PHP डेटा सीट। दूसरा आपको SR के अंदर, SR रजिस्टर जो हमारा होता है विद्यार्थियों का, स्कॉलर रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर सिमिलरिटी होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म,
ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जो भरा गया है बालक का, उस बालक के फॉर्म के अंदर जो हमने डेटा हमारे पास में है ऑलरेडी से, क्या वही डेटा चढ़ाया है, क्या अलग डाटा है? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों से कि आप अपना जो डेटा चढ़ाओ वो इन तीनों चीज़ों से मैच करके ही चढ़ाना। फॉर्म जब भी आप फिल करो, टीचर जो भी आपके फॉर्म फिल करें, तो उस फॉर्म को फिल करते समय आप ये ज़रूर देख लें कि आपके जो मीनिंग हैं, आपकी माता का नाम की मीनिंग है, पिता के नाम की जो मीनिंग है और आपकी जन्मतिथि है, वो आपके आधार कार्ड में सही हो प्लस आपके स्कूल रिकॉर्ड में सही हो। कभी कभी क्या होता है, मिसमैच होता है, आप इनका सुधार कर लें पहले से ही। ठीक है, अब सुधार करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। करेक्शन के लिए क्या करना होगा करेक्शन में, जैसे मान लीजिए आपको खुद के नाम में कोई करेक्शन करवाना है, पिता के नाम में या माता के नाम में या डी ओ बी में करेक्शन करवाना है, तो आपको अपनी कक्षा नवीं की जो मार्कशीट है उस नवीं की मार्कशीट के अंदर आपको अपने संस्था प्रधान से उसको हस्ताक्षर प्लस सील के साथ में गोला करवा करके आप उसको सही करवा सकते हो, अगर वो संस्था प्रदान कर देते हैं उसको सही। अगर नहीं करते हैं तो वो अलग इशू, अलग मैटर उनका। या फिर आपको एक शपथ पत्र के साथ में लगाना रहेगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है और मेरे डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ये है और मेरे नाम की मीनिंग है और इस तरीके से ये चीज़ें, तो आप 50 रुपये के शपथ पत्र के साथ में उसको आप लगा दीजिए। और आपका वो कोशिश करता हूँ कि मतलब उम्मीद भी करता हूँ कि आप स्कूल वाले इसको सही कर देंगे, विद्यार्थी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें चाहिए विद्यार्थियों के लिए एक फ़ोटो जो अभी करंट का होना चाहिए, हाली अपडेट। ठीक है, ऐसा नहीं आप बचपन का फोटो लगा दो, कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम दिया, 8वीं बोर्ड एग्जाम दिया तो वहाँ का फोटो लगा दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी जो फेस है, जो शक्लें हैं वो थोड़ी सी बदल जाती हैं, तो करंट फोटो चाहिए। और ये जो 10वीं की मार्कशीट है ना, ये एक ऐसी मार्कशीट है, आपका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे ना भविष्य में जाकर के, वो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई इसी से ही होने वाले हैं आपके, क्योंकि 10वीं का ही एक बेस मान करके आपके सारे फॉर्म भरे जाते हैं, सारे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला चाहिए फोटो, दूसरा सिग्नेचर जो किए जाएंगे आपके वो ब्लैक पेन से किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे? ब्लैक पेन से किए जाएंगे, ब्लैक मार्कर से, छोटा वाले बारीक वाला मार्कर आता है उससे। ठीक है, ब्लैक पेन से। अगला 9th की मार्कशीट की जेरोक्स, जो आपका फॉर्म है उसके साथ में आपकी 9th की मार्कशीट की जेरोक्स लगेगी, प्लस जो नए स्टूडेंट हैं, सुन लेना, हर स्टूडेंट के लिए कॉमनली है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनकी नए स्टूडेंट की टीसी की जेरोक्स, स्कूल में ओरिजिनल टीसी जमा हो जाती है, साथ ही साथ जो फॉर्म में आपका भरा जाता है उस फॉर्म में जो आपकी स्कूल की टीसी है उसकी जेरोक्स लगेगी, प्लस 9th की मार्कशीट। अब होने को तो इसमें आधार कार्ड भी लगता है, लेकिन आधार कार्ड का डेटा उसमें मान लीजिए हर विद्यार्थी के पास हुआ कि नहीं हुआ, तो आधार कार्ड का डेटा अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है आपके पास तो आप उसको चढ़ा दीजिए। और ये है कि बस मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगली चीज़, अगर मिसमैच भी आपका डेटा कहीं मिसमैच भी है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में अगर मिसमैच है और आपका स्कूल के रिकॉर्ड में डेटा सही चल रहा है, तो आप उसको करेक्शन मत करवाना कि मेरे आधार कार्ड में ये चल रहा है, मेरे को जन आधार कार्ड में ये है तो मैं उसको सही करा लूँ। नहीं, अगर आपका स्कूल रिकॉर्ड सही है तो आप आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट के बेस पर बाद में सही करवा लेना। जैसे 2025 में, जैसे आपकी 2024 में मार्कशीट आ जाएंगी, 25 में आप आराम से करवा सकते हो उसको, या जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में करवा लेना, या विद्यालय से कोई अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवा करके आप उससे उसको सही करवा लेना। लेकिन आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड जो पहले से चल रहा है ना, उस रिकॉर्ड में कोई करेक्शन मत करवाना, सीधी सी बात ये है। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं, अब नए स्टूडेंट जैसे क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट के जैसे नाम के पीछे कुछ मेहता लगा हुआ नहीं होता, सरनेम लगा हुआ नहीं होता, जैसे जो भी आपकी कास्ट लगी नहीं होती, आपके में लगी है तो आपके पिता के में नहीं लग रही है, आपकी मम्मी के में नहीं लग रही है। एक बार आप अपने घर पर अच्छे से देख लेना, आपका जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, प्लस आपका खुद का आधार कार्ड, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ध्यान सुनना, विद्यार्थी का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, साथ ही साथ जन आधार कार्ड, इन चीज़ों में आप देख लेना कि मम्मी का नाम, पिता का नाम और स्कूल के रिकॉर्ड में जो चल रहा है वो सही चल रहा है क्या। अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो आप उसको सुधरवा लेना स्कूल में जाकर के, क्योंकि ये जो फॉर्म भरोगे ना आप, ये फॉर्म आपके भविष्य में काम आएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ आज मेरे साथ में हो रही हैं कि मेरा खुद का जो नाम भरा गया है मेरे फॉर्म के अंदर वो गलत भर दिया गया है, अब उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे जितने 12th की मार्कशीट थी, 10th की थी, 10th की में तो ऑलरेडी स्कूल वालों ने भर दिया, 12th में भी उन स्कूल वालों ने भर दिया, जो स्कूल 10th में चलेगा वही आपके 12th में चलेगा। ठीक है, जो 10th में भरा गया है वो डेटा 12th में भरा जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको बाद में सुधरवा लोगे, नहीं, 10th में जो सुधरवाना है, सुधार करवाना है, विद्यालय स्तर पर ही सुधार होगा, SR रजिस्टर में सुधार होगा, ऑनलाइन PSP पोर्टल पर सुधार होगा। गवर्नमेंट स्कूल वाले विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो आपके विद्यालय में शाला दर्पण जो पोर्टल चलता है उस पोर्टल के ऊपर इसका सुधार होगा। ठीक है, मैं
मैंने आपको लगभग लगभग जानकारी दे दी है कि अब मेरी बात सुनना। एक और चीज़ में थोड़ा सा ध्यान से निकल गई थी, जो नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट का क्या प्रोसेस रहेगा कि जो नए स्टूडेंट अगर मान लीजिए मेरे पास विद्यालय में मेरे पास आए हैं, नए स्टूडेंट्स का भाई जैसे मान लीजिए कोई करेक्शन करवाना है उनको नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, DOB में या किसी भी चीज़ में अगर करेक्शन करवाना है उनको, नए विद्यार्थी को, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि पहले जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, जिस भी स्कूल में आप पहले पढ़ते थे उस स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपका नाम अगर मान लीजिए गलत है तो उसको आप वहाँ से सही करवा के लाओगे, HM से, आपके HM है, प्रिंसिपल जो भी हैं उनसे सही करवा के लाओगे, प्लस आपकी जो TC है उस TC के अंदर भी दोबारा सही करवा करके लाओगे। मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं चाहे वो किसी भी विद्यालय का हो, क्योंकि विद्यालय में स्टूडेंट सभी सिमिलर होते हैं कि एक तो ये तो पुराने स्टूडेंट होते हैं या नए स्टूडेंट होते हैं। नए स्टूडेंट अगर हैं तो उनके लिए क्या, जैसे एडमिशन लेते हैं तो अपन नॉर्मली TC के बेस पर ही लेते हैं, बिना TC के एडमिशन नहीं होता है किसी विद्यालय के अंदर, ठीक है। कक्षा 10वीं के अंदर खास करके कक्षा 10वीं के अंदर कक्षा 9वीं की TC चाहिए अपन को, और यहाँ पर जो फॉर्म भरा जाता है ना, तो फॉर्म के साथ में जो नया जिस मान 10th का फॉर्म भर रहे हैं अपन, नए स्टूडेंट का, ऑलरेडी स्टूडेंट जो है उसकी तो मात्र 9th की मार्कशीट लगती है, उसके साथ में TC नहीं जाती, नए स्टूडेंट के साथ में TC जाएगी, ठीक है, फॉर्म के साथ में। तो नए स्टूडेंट को अगर अपना डेटा कुछ करेक्शन करवाना है तो वो क्या करेगा, अपने स्कूल जो स्कूल है आपका जहाँ आपने आपसे कक्षा 9वीं पास की है, 8वीं पास की है, ठीक है, और 8वीं 9वीं पास करने के बाद में आप जिस मान लीजिए मेरे विद्यालय में नया एडमिशन लिया है आपने, तो नया एडमिशन लेने के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे नाम में जैसे मान लीजिए मुझे जहाँ तक एक स्टूडेंट का ध्यान भी आ रहा है, एक स्टूडेंट का नाम था जैसे कि मान लीजिए दीप्ति मेहता नाम है उस स्टूडेंट का, तो पिता का नाम ललित है। अब मैंने उसमें देखा था कि पिता के नाम में क्या ललित लिखा हुआ है जबकि दीप्ति मेहता आगे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि नहीं पापा के नाम में मेहता लगना चाहिए पीछे, तो आपको अपना 9th की मार्कशीट का जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा, प्लस TC के अंदर करेक्शन होगा आपके में, तब जाकर के आपके पीछे मेहता लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने स्तर पर कर दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पूर्व के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना उनका करेक्शन कर सकता हूँ। एनीवे कोई से भी स्कूल जो ऑलरेडी स्टूडेंट है ना उनके में करेक्शन कर सकते हो आप, वो भी एक 50 रुपये के शपथ पत्र के साथ में, प्लस जो डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना है उसका विद प्रूफ लगना चाहिए कि हाँ मैं ये प्रूफ लगा रहा हूँ और इस प्रूफ के आधार पर मैं अपना नाम या पिता का नाम या मम्मी के नाम में जो मिस्टेक है उसको सही करवाना चाहता हूँ, या मेरी जन्मतिथि बदलवाना चाहता हूँ, या जो मतलब जन्मतिथि में करेक्शन करवाना, बदलवाना नहीं करेक्शन करवाना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये, ठीक है। ये हो गया नए विद्यार्थियों के लिए, मैंने बता दिया आपको अपने पूर्व के विद्यालय से TC जो दोबारा जनरेट होगी आपकी उसमें करेक्शन होगा, प्लस 9th की मार्कशीट में भी आपके दोबारा करेक्शन होगा, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको और बता दूं 12th वालों की भी मुझे कुछ जानकारी देनी थी। 12th वालों का तो सीधा सा एक ही फंडा है, आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको सीधी 10th की जो मार्कशीट है आप जो पास हो चुके हो लास्ट ईयर मान ली 2022 में आपने अगर पास किया है, 2024 में आ चुके हो नॉर्मली 2022 में पास किया है, 2022 में आपने पास किया है तो 10th की मार्कशीट के साथ में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ भी झंझट नहीं है। क्योंकि जो झंझट सबसे बड़ा बवाल जो होता है ना मान लीजिए 10th में होता है पूरा का पूरा, 10th से अगर आपका कंप्लीट हो गया डेटा सही हो गया एकदम करेक्ट हो गया डेटा तो आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप 12th वालों को तो टेंशन फ्री एकदम कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, वो आराम से अपना 10th के बेस पर ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, प्लस 11th की मार्कशीट, जो डेटा 10th की मार्कशीट में है वही डेटा 11th की मार्कशीट में होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं छोटी सी और कि आपको फॉर्म फीस कितनी लग रही है। 10th की फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित की जाती है वो पूरे ऑल ओवर राजस्थान में, ऑल ओवर हम कह सकते हैं ऑल स्कूल्स के अंदर, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन सब के लिए 600 रुपये निर्धारित की जाती है। अब होता क्या है कि ये जो विद्यालय होते हैं वो अपने स्तर पर, हर विद्यालय अपने अपने स्तर पर अलग अलग लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनके साथ में उनका स्टेशनरी का खर्चा होता है, साथ में उनका नेट खर्चा होता है, नेट डेटा खर्चा होता है, साथ उनकी बहुत सारे उनको पोर्टल फीस देनी होती है, तो सारे करके मतलब सब तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई स्कूल क्या ले रहा है, कोई स्कूल क्या ले रहा है, कोई स्कूल क्या ले रहा है, नहीं, सबका अलग अलग होता है। लेकिन बोर्ड की फीस जो है मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड की फीस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये फीस है। इसके साथ में आपको पोर्टल फीस जो विद्यालय अपनी तरफ से देता है वो आपसे नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ आपसे तो या तो जो ज़्यादा 650 या 700 या 750 रुपये लास्ट, इससे ज़्यादा कोई स्कूल वाला नहीं लेता है, ठीक है, इतनी नॉर्मली फीस रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी को करेक्शन के लिए जिसमें अगर किसी विद्यार्थी का कोई अगर मन में क्वेश्चन चल रहा हो किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो मैं विद्यालय में मेरे विद्यालय की बात कर रहा हूँ और मेरे विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, मैं विद्यालय में रहता हूँ, ऑफिस में हूँ, मेरे पास में 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप मुझे कभी भी कह सकते हैं सर मेरे को ये समस्या है और मेरे इस चीज़ को ये इस तरीके से करेक्शन करना है, तो क्या प्रोसेस रहेगी, मैं हर विद्यार्थी की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी मेरे को देख रहे हैं मैं उनसे भी कह देता हूँ कि आप जिस भी विद्यालय के स्टूडेंट हों,
कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए कि आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हो, किस में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। वरना आप जानकारी के अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि आप भविष्य में आप अपने आप पछताते रहो, काश अगर हम दसवीं में अपना डेटा सही कर लेते तो हम आज हमारा फॉर्म में जो भी मतलब इलेवंथ था, ट्वेल्थ था, बीएससी था, बीए था, एग्रीकल्चर, जो भी आपका एनीवे कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका वहाँ दिक्कत नहीं आती। तो मैं आपको ये अभी इसलिए कहने आया हूँ कि 13 सितंबर बहुत दूर है, इससे आगे भी एक बार या दो बार वो डेट बढ़ेगी, आप आराम से तसल्ली से सुकून शांति से कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं करेक्शन का लगता है आपको करेक्शन करवाना है तो आप करेक्शन कर लो लेना, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन के साथ में आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। चलता हूँ मैं, जय हिंद, जय भारत।